परमेश्वर प्रेम है। और पहला यूहन्ना 4:10, उसने आपसे पहले प्रेम किया है, आप उसे जानते भी नहीं थे, परंतु प्रभु ने आपसे प्रेम किया है, हमसे प्रेम किया है और उसने पूरे जगत से प्रेम किया है। इसलिए आज जब वो आपसे प्रेम किया है तो निश्चय ही जब पिता होकर एक पुत्र की तरह हमसे प्रेम किया है तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज़ें रखता है और वो आशीषों के रूप में हमारे लिए देना चाहता है। जब हम कहीं फंसे होते हैं, जब कहीं हम पीड़ाओं में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो वो हमारे लिए अनुग्रह रूपी एक ऐसे जीवन को प्रकट करता है जो उसके वचन से लिपटा हुआ रहता है, जो उसके वचन में बना हुआ रहता है। एक ऐसी सामर्थ्य हमारे लिए प्रकट होती है जो हमें उस समस्या से छुड़ाती है, जो हमें उस शोक के और दुख के दायरे से बाहर लेके आती है। तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन को आशीषित करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज हम परमेश्वर के छुटकारे के विषय में, जो परमेश्वर का एक अनुग्रह है कि हमारे जीवन में वो प्रभु हमारे मनोदशाओं में छुटकारा देना चाहता है, हमारे मन के अंदर वो छुटकारा देना चाहते हैं, हमारे जीवनों में, पारिवारिक जीवनों में वो छुटकारा देना चाहते हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त करें? वो जब हमें बार बार कहता है, जब हमें बार बार हमारे जीवनों में अपने मैसेज को देता है, अपने वचन के द्वारा वो आपसे बात करता है, तो हमें उसे अपने जीवन में किस रीति से स्वीकार करना चाहिए और परमेश्वर को अपने जीवन में कहाँ तक महत्व देना चाहिए, किस रीति से महत्व देना चाहिए, जिससे कि वो हमारे जीवनों को और शक्तिशाली रूप में बनाए रखे। परमेश्वर के दास और दासियों, आज हम जब उसके करीब आते हैं तो बहुत सारे लोगों ने उसके कामों को देखा है, बहुत सारे लोगों ने उसकी योजनाओं को देखा है, उसकी सामर्थ्य को देखा है, उसके प्रगटीकरण को देखा है, उसकी उपस्थिति को देखा है। और हम जब उसी मनोदशा में बने रहते हैं और उसे जब अपने अंदर छूने के लिए, उसे हम जब अपने अंदर लाने के लिए, उसे हम अपने परिवारों में देखने के लिए जब हम अपने मनों को तैयार करते हैं, तो उसका वचन हमारी ज़िंदगी में सही समय पर पूरा होता है। जैसे कि अगर देखें तो यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आते हैं तो यीशु के सामने घुटने टेक कर वो उन्हें प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उसके बाद प्रभु उन्हें कहते हैं कि जा और इसे अपने याजकों को दिखा। और वे जैसे ही प्रभु जाने के लिए कहता है, वो जाते ही जाते वो कोढ़ी शुद्ध हो जाते, उनका कोढ़ उनके शरीर से चला जाता है। तो हम देख पाते हैं कि जब उसका ऑर्डर, जब उसकी आज्ञाएँ हमारे जीवन के लिए लागू होती हैं और हमारे जीवन में उसका वचन उसकी आज्ञा के आधार पर जब पूरी होती हैं, तो उसकी सामर्थ्य भी उसी शक्ति के साथ पूरी होती हैं जैसे आपने उसके वचन को अपने जीवन में पूरा किया है। देखिए, परमेश्वर कभी जल्दबाजी नहीं करते हैं। वो हमारे विषय में सोचते हैं, हमारे विषय में वो विचार करते हैं, हमारे जीवन की हर एक दशाओं को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसने आखिरी समय में हमारे लिए जो पवित्र आत्मा दिया है वो भी एक ऐसी मनुष्य की पृष्ठभूमि के जैसा, मनुष्य के जैसा वो एक मन रखता है, वो हमारे जैसा, वो जैसे हम सोचते हैं वैसे वो भी, पवित्र आत्मा भी वो उसी रीति से हमारे जीवन में रहता है, वो सोचता है, वो हमारे लिए विचार करता है, वो शक्तिशाली है। वह पवित्र आत्मा शक्तिशाली है जो परमेश्वर ही है। और जब हम उसके इच्छाओं को अपने जीवन में जगह देना शुरू करते हैं, जब उसकी बातों को अपने जीवन में स्थान देना शुरू करते हैं, तो वो हमारे विषय में सोचता है, हमारे लिए वो उपाय करता है, ऐसा वचन में लिखा गया है। बाइबल का वचन कहता है कि जब हम उसके पास आते हैं तो हमें उसके लिए धन्यवादी बने रहना चाहिए। कुलूसियों 3:15 आयत को हम जब पढ़े तो हमें परमेश्वर के लिए धन्यवादी बने रहना चाहिए। जब हम प्रभु के लिए धन्यवादी बने रहते हैं तो हमारे लिए एक अगला स्तर परमेश्वर तैयार करते हैं। जैसे कि लिखा है कि मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, आपके हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। जब हम धन्यवादी बने रहते हैं हर काम के लिए, चाहे वो छोटे काम प्रभु ने हमारे लिए किए हों,
यह बड़े काम हमारे लिए प्रभु ने किया हो। हम उसके लिए जब धन्यवादी बने रहते हैं तो बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार हमारे लिए अगला मार्ग खुलता है। जब हम छोटे से चीज़ों पर, जब हम परमेश्वर के किए गए छोटे या बड़े जो भी काम हैं, अगर उस पर धन्यवादी बने नहीं रहते हैं, तब हम हमारे लिए, जैसा कि बाइबल का वचन सिखाता है, हम एक शोक के शिकार होते हैं, एक विपत्ति के शिकार होते हैं। अगर हम बाइबल के पुराने नियम को ध्यान से देखें तो बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जब इज़राइली 430 साल तक जब वो गुलामी की दशा में जी रहे थे तो उनकी आत्मिक परिस्थितियाँ बिगड़ गई थी, उनमें बहुत सारे मतभेद आ गए थे, उनमें बहुत सारी आलोचनाएं परमेश्वर के प्रति आ गई थी, उनमें बहुत सारे समस्याएं आ गई थी, उनके धार्मिक प्रक्रियाएं चेंज हो चुकी थी, उनकी मनोदशाएं, उनके विचार बदल चुके थे, गुनाह और पाप की जगह वे ले चुके थे और मिस्री लोग उन पर बड़े ही एक शताव, बड़े ही मुश्किलात उनके जीवन में ला के खड़ा कर दिए, क्योंकि वो उसी रीति से वहाँ की मनोदशाएँ, वहाँ के विचारधाराएँ, वहाँ की तमाम गंदी रीतियों को अपने जीवन में अपना चुके थे। और यही कारण है कि उनके जीवन में समस्या की एक शुरुआत होती है। वहाँ का फिरौन उनके जीवन में बड़ी दुर्बलता को ला के रख देता है, वहाँ पर बड़ा प्रेशर होता है, उनके जीवन में बड़ा सताव आ जाता है और वो उन परिस्थितियों के शिकार होने लगते हैं। उनमें एक बड़ा उलझन भरा जीवन आ जाता है। वो किसी रीत से वहाँ से निकल ना पाने की स्थिति में थे और बड़े ही लड़ाई और झगड़े और तनाव के बीच में मिस्र के अंदर जी रहे थे। आप याद रखें कि ये परमेश्वर के वे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और अब्राहम के समय से लेकर के परमेश्वर ने इनकी परिस्थितियों को, इनकी स्थितियों को जबरदस्त तरीके से बदला और आशीष दिया, इनके जीवनों को अपने हाथों में लेके चला। पर जब ये मिस्र के गुलामी में जाते हैं तो इनके जीवन में बहुत सारी दुर्बलताएं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं और वहाँ की गंदी रीतियों को, वहाँ के गंदे विचारधाराओं को, पाप और तमाम दूषित मनोवृत्ति को अपने जीवन में इन्होंने स्थान दे देते हैं, जिसके कारण इनके जीवन में एक बड़े सताव के रास्ते खुल जाते हैं, दुख के मार्ग खुल जाते हैं और समाधान के रास्ते बंद हो जाते हैं। हम देख पाते हैं कि इनके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, हम देखते हैं कि इनके ऊपर बड़े ही सताव किए जा रहे हैं, बड़े ही दुखमय परिस्थिति इनके जीवन में होती है और ये अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए क्या, वहाँ की रीतियों, वहाँ की बुरे आचरणों को अपने जीवन में जगा देते हैं और फिरौन, जो अब फिरौन है, उनके जीवन में सताव को देता है, उन्हें कोड़े मारता है, उनके जीवन में उनको घायल करता है, उनको बुरी परिस्थितियों का शिकार करा देता है, उनको जबरन मजदूरी करवाता है और बड़े ही जो जैसे भी इनके जीवन में जो जहाँ पर इनको रिलैक्स मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए, वहाँ पर इनको छोड़ता नहीं है, वो इनको पकड़ करके मजदूरी में लगाता है और इनको जबरन ऐसी ही एक दबाव बस, एक प्रेशर बस इनको काम पे खड़ा कर देता है जहाँ पर बहुत इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बड़ी ही बेचैनी के साथ जीते हैं, बड़े ही अपने आप को दुख के साथ अपने आप को समय व्यतीत करते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि कुछ समय जब ये दुख और अपने जीवन में तमाम प्रकार की समस्या से दबे, बोझ से दब जाते हैं, तब ये परमेश्वर की दुहाई देते हैं और उस टाइम में जब ये खुदावन की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर इनकी दुहाई को सुनता है। याद रखें, परमेश्वर हमारी आपकी दुहाई को सुनता है। बाइबल कहता है कि वो पृथ्वी पर आ गया आपसे बात करने के लिए, वो पृथ्वी के ऊपर आ गया आपसे मुलाकात करने के लिए, वो झाड़ियों में मूसा से बात करता है और उनको उस दायरे से, जो पाप का दायरा था, जो एक अंधकार का बल था, वहाँ से उन्हें निकालने के लिए एक व्यक्ति को वो चुनता है जिसका नाम मूसा था। अब जानते हैं उनकी प्रार्थनाएं तब हुई जब उन पर अत्याचार हुए, उसके पहले वहाँ की परिस्थितियाँ उन्हें भाने लगी, वहाँ की तमाम चकाचौंध और बुरी चीज़ों को वो बड़े शौक से अपने जीवन में स्वीकार करने लगे। और याद रखें, जैसे जैसे गंदी चीज़ों को, बेविचार की चीज़ों को और गुनाहों की चीज़ों को मिस्र के भीतर, मिस्र की चीज़ों को अपने जीवन में लाते गए, उसी के अनुसार उनके जीवन में समस्याएं और दुर्बलताएं बढ़ती गईं।
आज हमारे आपके जीवन में जब प्रभु अपना उपस्थिति दे चुका है, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा अपनी सामर्थ्य को आपके सामने प्रकट कर दिया है, अपने आप को उसने दे दिया है, तो आज हम उसके लिए धन्यवादी बने नहीं रहते। हम जब तक धन्यवादी नहीं होंगे तब तक उस मिस्र की कंडीशन, बाइबल के अनुसार मिस्र एक पाप की स्थिति है, वहाँ से हम छूट नहीं पाते हैं, वहाँ से हम अलग नहीं हो पाते हैं। परमेश्वर हमारी दुहाई तभी सुनता है जब हम उसे धन्यवादी, जब उसे हम धन्यवाद देना शुरू करेंगे, जब उसको हम महिमा देना शुरू करेंगे, जब उसकी प्रशंसा करना शुरू करेंगे, जब उसकी बड़ाई करना शुरू करेंगे। शायद माहौल आपके विरोध में है, शायद कंडीशन जो परिस्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं है, विरोध के अनुकूल है, लेकिन वहाँ पर मिस्र में रहते हुए इसराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, और जब वो दुहाई देते गए उनकी दुहाई में आंसू थे, उनकी दुहाई में रोना और बिलाप था, तब परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और ये वचन पूरा किया। भजन 30 वचन 11 आयत, वहाँ नोट करिए आप, परमेश्वर ने ये वचन उनके लिए पूरा किया। वहाँ पर अगर हम देखें भजन 30 में दाऊद क्या कहता है वचन 11 में, कि तूने मेरे लिए बिलाप को नित्य में बदल डाला। वाओ, परमेश्वर का ये वचन आपके लिए भी पूरा होगा, विश्व के हर एक शख्स के लिए पूरा होगा जो परमेश्वर पिता के साथ, जो यीशु के साथ जी रहा है। तूने मेरे लिए बिलाप को नित्य में बदल दिया और तूने मेरी टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांध दिया है। परिस्थिति आनंद की बदल जाती है जब हम पाप से बाहर आने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जब हम गुनाहों से बाहर आने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जब हम उस पाप की परिस्थिति को अपने जीवन से छोड़ देते हैं, जब गुनाह की परिस्थिति को छोड़ देते हैं और तमाम गंदे और बुरे विचारों को अपने जीवन से छोड़ देते हैं, तब कह रहा होता है ये आयत जो अभी आप पढ़ रहे हैं कि हमारे वो बिलाप को नित्य में बदल देगा और दुख का टाट उतरवा करके हमारे लिए आनंद का पटुका हमारे कमर में बांध देगा। मतलब हमारे लिए आनंद की परिस्थिति पैदा करेगा, हमारे लिए सुगम रास्ते परमेश्वर खोलेगा। इसलिए हमें आज उस मिस्र की परिस्थिति से बाहर आना है, ये आप तय करेंगे। जब तक आप नहीं तय करेंगे आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर हम नामान कोढ़ी को देखें तो नामान कोढ़ी को परमेश्वर के दास ने कहा कि जा और यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा लेना। एक बार तो वो गुस्सा करता है और कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में अपने सैनिकों की राय लेने के द्वारा वो यर्दन नदी में जाता है और वो 7 बार डुबकी लगाता है। 7वीं बार, 6 बार तो उसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन 7वीं बार जैसे ही वो यर्दन नदी में डुबकी लगाकर परमेश्वर का वचन पूरा करता है, उसका शरीर बच्चे के जैसा कोमल हो जाता है। मतलब ये कि आपने वचन को अपने जीवन में पूरा किया, आपने खुदा के कहे हुए कलाम को अपने जीवन में पूरा करते हैं, और जब उसे आप पूरा करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में आपकी ज़रूरतों को और आपके हर मुश्किलात का हल बनते हुए आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।